हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तीन तरह की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट और इंस्टेंट इडली की रेसिपी। तो दोस्तों, आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूँगा 2 कप सूजी। अब इसमें डालूँगा मैं 1 कप दही, ये हल्का खट्टा दही है। अब इसमें डालूँगा मैं 1 कप पानी। तो इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा, इसका अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार कर लूँगा। तो दोस्तों, इसका मैंने एक अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैं फिर से मिक्स कर दूंगा ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, बैटर को हमने बना लिया है। अब इसको हम प्लेट से ढक दूंगा और लगभग 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, तब तक हमारी सूजी फूल जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा ग्रीन इडली। तो ग्रीन इडली बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिया मैंने 1/2 कप हरे मटर के दाने। तो इस मटर के दानों को मैं डाल दूंगा मिक्सिंग जार में। इसमें डालूंगा मैं 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई लाल हरी मिर्ची। अब इसमें डालूंगा मैं 3 से 4 टेबल स्पून पानी और इसका मैं एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगा। तो दोस्तों, मैंने इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह एकदम पतला बनाया है, मैंने एकदम बारीक इसको पीस लिया है। तो अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा किसी बाउल में और इसको हम रख देंगे साइड में। तो अब मैं बनाऊंगा रेड कलर की इडली। तो इसके लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ की गाजर ली थी, उसको मैंने इस तरह छीलकर धोकर काट लिया है। इसको मैं डाल दूंगा मिक्सिंग जार में और इसमें भी डाल दूंगा मैं 3 से 4 टेबल स्पून पानी और इसको भी मैं एकदम फाइन पीस लूँगा। तो इसको मैंने एकदम फाइन पीस लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह। तो दोस्तों, अब इसको मैं साइड में रख दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इडली को स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने इडली के सांचे लिए हैं, तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। तो इसको मैं रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर ले रहा हूँ। तो ग्रीस करने के बाद क्या होता है कि हमारी इडली है बहुत ही आसानी से बाहर निकल आती है। दोस्तों, तो सांचों को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, इसको अब हम साइड में रख देंगे। तो दोस्तों, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा इडली का जो बैटर है वो भी फूल कर तैयार हो चुका है, यानी हमारी सूजी है वो फूल चुकी है। तो अब इसको मैं एक विस्कर के साथ अच्छे से बार विस्क कर लूँगा या फेंट लूँगा। तो 1-2 मिनट के लिए मैं इसको इस तरह मिक्स कर लूँगा। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस बैटर को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा 3 पार्ट्स में, क्योंकि हमें 3 तरह की इडली बनानी है। तो थोड़ा सा बैटर हम इसी बाउल में रहने देंगे और आधा आधा बैटर हम इसमें दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो 3 पार्ट्स में मैंने बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है, यानी डिवाइड कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊँगा ग्रीन इडली। तो ग्रीन इडली के लिए इसमें डालूँगा मैं हमारा मटर का पेस्ट जो हमने प्रिपेयर किया था, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगा। हमारा जो बैटर है वो रेडी है हरी इडली के लिए। तो अब मैं यहाँ पे लाल या फिर केसरिया इडली बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं गाजर वाला पेस्ट इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो दोस्तों, हमारी ये इडली का बैटर भी रेडी है। तो दोस्तों, अब इसमें डाल दूंगा मैं 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट। तो सभी बैटर में मैं इस तरह 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डाल दूंगा और इस तरह थोड़ा सा पानी डालूंगा लगभग 1/2 टेबल स्पून और इसको मैं इस तरह फेंट लूंगा, यानी मिक्स कर लूंगा। तो दोस्तों, इनो डालने से क्या होता है, हमारा बैटर बहुत ज़्यादा फूल जाता है और हमारी इडली एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो इस बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरह मैं बाकी बैटर को भी मिक्स कर लूँगा, यानी उनमें इनो मिक्स कर दूँगा। तो दोस्तों, सभी बैटर को मैंने इनो मिक्स करके प्रिपेयर कर लिया है। तो हमारा बैटर जो है रेडी है इडली बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब एक इडली के सांचे में मैं डालूंगा
हरी वाली इडली का बैटर, जब हमने थोड़ा थोड़ा बैटर डाला है, इसे ओवरफिल नहीं करना है। तब दूसरे में मैं डाल दूंगा वाइट वाला बैटर। और इस प्लेट को मैं लगा दूंगा इसके अंदर। और दूसरी प्लेट मैं इसके ऊपर रख दूंगा। और इसमें डाल दूंगा मैं गाजर वाला बैटर। और बैटर को मैं अच्छे से फैला दूंगा। और ये हम लास्ट प्लेट को भी लगा देंगे। इसमें डाल दिया मैंने मटर वाला बैटर। और इसका जो स्क्रू है हमें इसे लगा देना है। और इसको स्टीम करने के लिए एक बड़ी मैंने भगोनी लिया है या फिर बर्तन लिया है। इसमें मैंने लगभग हाफ कप पानी को बॉईल कर लिया और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और इस इडली के सांचे को इसमें रख दिया है। अब इसको हम स्टीम करेंगे लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो दोस्तों लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी इडली एकदम अच्छी तरह स्टीम होकर तैयार हो चुकी हैं। अब टूथपिक की सहायता से हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन है, यानी हमारी इडली बनकर तैयार हो चुकी है। तो हम थोड़ा सा भाप को कम होने देंगे और उसके बाद हम इडली के सांचे को निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों इसको हमने ठंडा कर लिया है। तो दोस्तों आप जब भी इडली को निकालें तो इसे लगभग थोड़ा 4-5 मिनट के लिए ठंडा करने के बाद ही निकालें। इससे क्या होती है, हमारी इडली एकदम परफेक्टली बाहर निकल के आती है और बिल्कुल भी नहीं चिपकती। तो ये अभी वार्म है, यानी हल्की गर्म है। तो बस आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी इडली बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, एकदम सॉफ्ट और जालीदार। तो सारी इडलियों को मैं इसी तरह निकाल कर तैयार कर लूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी इडली कितनी जालीदार बनकर तैयार हुई है। तो सारी इडलियों को मैं इसी तरह निकाल कर तैयार कर लूँगा और इनको प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो अब मैं निकालूँगा वाइट वाली इडली। तो दोस्तों हमारी इडली बनकर तैयार हो चुकी है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा प्लेट में। और आप इसको किसी भी नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको खसखस की चटनी के साथ सर्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।